डीआरडीओ 2021 की शुरुआत में अस्त्र MK-2 का परीक्षण करने वाला है, जिसकी रेंज 160 किलोमीटर तक होगी। यह मिसाइल अस्त्र MK-1 से थोड़ी लंबी होगी। अस्त्र MK-1 ने अमेरिकी एमराम 120C के समान प्रदर्शन किया था और अस्त्र MK-2 से AIEM से बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद है। अस्त्र MK-2 को हाई एंगल ऑफ बोसाइट इम्प्रूव्ड जैमर और ड्यूल पल्स मोटर से लैस किया जाएगा। अगला अपडेट तेजस MK-1 को लेकर है। HL और ADA मिलकर जल्दी तेजस MK-1 से अस्त्र MK-1 का परीक्षण करने वाली है। इस मिसाइल का परीक्षण अगले महीने में किए जाने की उम्मीद है, जो तेजस MK-1 को कॉम्बैट क्षमता प्रदान करेगी। 2021 की शुरुआत में मिसाइल को तेजस MK-1 से फायरिंग की मंजूरी दे दी जाएगी। अगला अपडेट सुरक्षा बलों को लेकर है। सुरक्षा बलों ने कश्मीर घाटी में चौकियों पर फुल बॉडी ट्रक स्कैनर लगाने की मांग की है। फुल बॉडी ट्रक स्कैनर की स्थापना की मांग फिर से उठाई जा रही है, क्योंकि नगरोटा में मारे गए 4 आतंकवादी एक सेब के ट्रक में छिपे हुए थे। सरकारी सूत्रों ने बताया कि आतंकवादी एक सेब के ट्रक में छिपे थे और उन्हें रोका जा सकता था, क्योंकि जम्मू पुलिस को उनकी मूवमेंट की जानकारी थी। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं।